मध्य प्रदेश के भोपाल से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को बधाई दी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। गुना में हुई घटना, मंडला में हुई घटना और प्रदेश की कानून व्यवस्था शिवराज के राज में खराब है। कमलनाथ सरकार के समय प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार था, वर्तमान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अपना बचाव करने के लिए कलेक्टर और एसपी को हटा देते हैं। शिवराज सरकार के बचने का यही तरीका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोप पर पीसी शर्मा बोले कि प्रीपेड पोस्टिंग की बात करते हैं, इनके यहाँ क्या पोस्टपेड से पोस्टिंग होती है? संघ कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठ बोलना ही सिखाया जाता है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कमलनाथ जी ने कहा कि ईश्वर भरोसे ही है। कमलनाथ जी के जमाने में तो ऊपर ईश्वर भोलेनाथ थे और नीचे कमलनाथ थे, कानून व्यवस्था ठीक थी। और आज एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या हो जाती है मंडला के अंदर। भोपाल में हमने देखा किस तरह से गिरोह काम कर रहे हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। 15 साल में जो शिवराज जी की सरकार थी उसमें भी यही स्थिति थी, हजारों बच्चियों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए थे। उसके अलावा गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के, और वो भी दबंगों के कहने पर, उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा लें। इसके पहले भी मंडला में एनएसयूआई के एक नेता की हत्या हुई, पिपरिया में इनके ही पार्टी का कहना चाहिए, जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई, जो बांट रहे थे पैसे रखकर, तो ये सब कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त मध्य प्रदेश में हो गई है। इस और लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी रैप हुए हैं, तो ये सब कुल मिलाकर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी ध्वस्त है आज की तारीख में। इस सावन का महीना है और उनका नाम भी मुख्यमंत्री का जिस तरह से शिवराज, कम से कम इन पुजारियों की सुध तो लें। लॉकडाउन में आप वो कह रहे हैं कि जो हम 10,000 रुपये ऋण देंगे लोगों को, गरीब ठेले वाले और दूसरे वालों को, बाकी की सहायता की बात हो रही है, लेकिन ये पुजारी जो मंदिरों में बैठते हैं, मठ मंदिरों में, इनको कोई सहायता नहीं की गई है। जो 8 करोड़ की बात करते हैं वो फिक्स है, जो हमने किया था 3 गुना, वो एक राशि पहुँचती है, वो परंपरागत आ रही। लेकिन इन जब मंदिर बंद हो गए और इनके कोई और दूसरा काम होता नहीं है, कोई व्यवसाय होता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमने पहले दिन से मांग की थी कि 10,000 रुपये महीने जो पुजारी और जो महंत हैं अलग अलग मठों में मंदिरों में, उनको दिया जाना चाहिए। वो ही मांग आज यहाँ आदरणीय महंत रामगिरी जी, वो एक हमेशा से चला आ रहा है। जब लॉकडाउन नहीं था तब भी पुजारियों को एक मानदेय मिलता है, लेकिन उससे काम पूरा नहीं होता। उसके बाद जो पूजा पाठ होती है, दूसरे आयोजन होते हैं हिंदू धर्म के, उससे एक होती है, उनके परिवारों को मिलता है। बीजेपी सरकार ने एक संस्था है जिसे 8 करोड़ की राशि दी है ताकि वो पुजारी तक पहुंचाएंगे, तो कहां गया वो? कहीं नहीं पहुंचा। ये तो संत जी बताएंगे ना, यही पुजारी संघ के अध्यक्ष हैं, यही बताएंगे। ये सब घोटाले हैं, कहीं कोई संत पुजारियों को नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।